नमस्कार दोस्तों, कुमार्स किचन में आपका स्वागत है। आज मैं और मेरी माँ हम दोनों बनाने जा रहे हैं 3 कलर की परतों वाली गुजिया। तो आप देख सकते हैं कि कितनी सही गुजिया बनी है, बहुत सारी परतों वाली और रंगी बिरंगी। तो चलिए इसे बनाना शुरू कर देते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमने लिया है 1.5 कप डेसिकेटेड कोकोनट। ये फ्रेश कोकोनट लिया है मैंने, इसलिए मैं इसको रोस्ट करके ले रहा हूँ। अगर आप रेडीमेड डेसिकेटेड कोकोनट इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसको रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो अब ये कोकोनट पूरी तरह से ड्राई हो चुका है, तो अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये जब ठंडा हो रहा है तब तक हम 2 बड़े चम्मच खोया भून लेंगे। हमने ये खोया जब तक सॉफ्ट ना हो जाए और जब तक इसका रंग ना बदल जाए तब तक भून लिया है। अब देख सकते हैं कि कितना अच्छा सॉफ्ट हो चुका है ये खोया। तो अब हम इसे भी इस बाजू में रख देंगे। तो अब हम हमारे गुजिए के लिए आटा गूंद लेते हैं। तो उसके लिए हमने 1/2 कप सूजी और 1/2 कप मैदा लिया है। तो इस मैदा और सूजी को हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। एक बार मिक्स होने के बाद हम इसमें डालेंगे 2 बड़े चम्मच गरम तेल। गरम तेल डालने के बाद एक बार हम इसे वापस से मिक्स कर लेंगे। एक बार ये अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इस मिक्सचर के 3 हिस्से कर लेंगे, क्योंकि आपने जैसे शुरुआत में देखा हमने 3 कलर की गुजिया बनाई थी, इसलिए हमें 3 कलर के डो गूंदने पड़ेंगे। तो ये हमारा मिक्सचर 3 हिस्सों में बट चुका है। तो सबसे पहले हम सफ़ेद कलर का डो गूंद लें। तो हमने ये डो दूध में गूंद लिया है, आप भी ज़रूर दूध में ही गूंदे इसे। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा टाइट डो गूंद लिया है। तो इसी तरह हम ऑरेंज कलर का भी डो गूंद लेंगे। तो ऑरेंज डो के लिए हमने ऑरेंज फूड कलर में दूध डाल के एक घोल बना लिया और उसी घोल में हम ऑरेंज डो गूंद लेंगे। तो ये ऑरेंज डो भी गूंद के रेडी हो चुका है, एकदम टाइट डो गूंद के रेडी है अभी, आप देख सकते हैं। तो हम अभी तीसरा डो जो मतलब हरे कलर का है वो गूंद लेंगे। तो हरे फूड कलर में हमने दूध डाल के इसका घोल बना लिया और उसको भी सेम वैसे ही टाइट डो गूंद लिया है। आप देख सकते हैं कि परफेक्ट डो गूंद के रेडी हो चुका है। अब हमारे पास एक सफ़ेद, एक हरा और एक ऑरेंज कलर का डो गूंद के रेडी हो चुका है। तो अब हम हमारे जो गुजिया की परतें होती है वो छुटने के हम आपको एक टेक्निक दिखाएंगे। तो उसके लिए हमने 2 बड़े चम्मच घी लिया है। ये घी मीडियम कंसिस्टेंसी पे मेल्ट करके लिया है। तो अब हम इसमें डालेंगे चावल का आटा। अगर आपके पास चावल का आटा नहीं हो तो आप कॉर्नफ्लोर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसे अच्छे से फेंट लेंगे। आप देख सकते हैं कि अच्छे से फेंट लिया हमने इसे और इसका एक अच्छा बटर बन चुका है। तो अब इस बटर को हम एक कटोरी में निकाल लेते हैं और ये अब हमारे गुजिए के अंदर लगाने के लिए तैयार हो चुका है। तो सबसे पहले हमने हमारा गूंदा हुआ हरा डो लिया है। तो इस हरे डो को हम अच्छे से एक लंबा सा ऐसे बेल लेंगे, अच्छे से एक जैसा हर जगह से बेल लेना है हमें इसे। और एक बार ये बेल के हो जाए तो उस पर हम हमारा चावल का आटा और घी से जो बटर बना है वो लगा लेंगे। हर जगह अच्छे से लगा लेना है हमें, कोई भी जगह छोड़नी नहीं है, एक जैसे हर जगह ऐसे धीरे धीरे लगाते जाना है। आप देख सकते हैं वीडियो में कि मेरी माँ ने कैसे लगाया है, तो आप भी बिल्कुल वैसे ही लगाइए। एक बार ये हो जाए लगा के तो हम इस बेले हुए डो को ऐसे रोल कर लेंगे। आपने देखा वीडियो में कि कैसे हम मेरी माँ ने रोल कर लिया है। तो एक बार ये रोल हो जाए तो इसको हम साइड में रख देंगे। अब यही टेक्निक हम ऑरेंज डो के साथ भी रिपीट कर लेंगे। तो ऑरेंज डो के भी हमने ऐसे लंबा सा बेल लिया है। तो एक बार ये भी बेल के हो जाए तो इस पर भी हम यही चावल का आटा और घी का बटर लगा लेंगे। ये बटर लगाने में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी, क्योंकि ये जितना आप अच्छे से बटर लगाएंगे उतनी हमारी गुजिया की परतें खुल के आएंगी और अच्छे से वो क्रिस्पीनेस आएगा। तो जब ये लगा के हो जाए तो हमारा जो ग्रीन रोल था वो इस ऑरेंज बेले हुए डो पे रख के फिर से एक बार इसको रोल कर लेंगे। अब हम सबसे लास्ट में व्हाइट वाला डो लेंगे। इस व्हाइट वाले डो को भी सेम वैसे ही बेलना है और उसे भी वैसे ही वो घी और चावल के आटे का बटर लगा लेना है हमें। और वो लगाने के बाद हमारे जो ऑरेंज और ग्रीन का जो रोल रेडी है वो इस पे रखे हम उसे भी इसमें रोल कर लेंगे। तो ये हमारा अभी बटर लगा के रेडी हो चुका है। तो अब हम इस पे हमारा वो जो रोल रेडी था वो रखेंगे और धीरे धीरे रोल करते जाएंगे। रोल करते समय एक बात का ध्यान जरूर रखिए कि इसको बहुत टाइट रोल करना है। तो ये हमारा जो फाइनल रोल है दोस्तों अभी वो तैयार हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अब हम इसके टुकड़े काट लेंगे। आप देख सकते हैं कि कैसे टुकड़े काट रही है मेरी माँ। तो बिल्कुल वैसे ही आपको धीरे आराम से टुकड़े काट लेने। तो आप देख सकते हैं कि कितने अच्छे से इसकी परतें दिख रही है, एक हरी, एक ऑरेंज और एक सफ़ेद, ये तीनों रंग अच्छे से दिख रहे हैं। तो इसी तरह हम सारे टुकड़े काट लेंगे। तो हमारे ये जो लोइया है वो कट के रेडी हो चुकी है, बहुत अच्छी दिख रही है। तो अब हम हमारे गुजी के अंदर की स्टफिंग बना लेते हैं। जो हमने जो कोकोनट रोस्ट करके लिया था वो अभी पूरी तरह से ठंडा हो चुका है, आप देख सकते हैं पूरी तरह से ठंडा है ये। अब इसमें हम डालेंगे हमारा भुना हुआ खोया, और खोया डालने के बाद अब इसमें जाएगी 1/2 कप पिसी हुई चीनी।
ये सब तीनों चीज़ें हम अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और जैसे ये तीनों चीज़ें अच्छे से मिक्स हो जाए तो अब हम इसमें फ्लेवर के लिए डालेंगे इलायची की पाउडर। इलायची से बहुत ही अच्छी टेस्ट आती है गुजिए को। अब हमने जो लोइयाँ काट के रखी थी उसमें से एक लोई लेंगे और उसको आपने जैसे वीडियो में देखा वैसे ही दबा लेंगे, ऐसे थोड़ा सा तिरछा दबाना है हमें उसको, जिससे ये जो डिज़ाइन है हमारी जो साइड में खुल के ऐसे साइड में निकल के आती है, तो वैसे ही हम सारी लोइयाँ ऐसे दबा के बना लेंगे। आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी डिज़ाइन बनी है। तो उस हमने एक लोई ली है, उसको हमने पूरी की साइज़ में बेल लेना है। पर बेलते समय एक बात का ध्यान ज़रूर रखें कि ज़्यादा ज़ोर लगा के नहीं बेलना। अगर ज़्यादा ज़ोर लगा के बेला और ये पूरी अगर पतली हो गई तो हम जो नारियल का स्टफिंग इसमें भरेंगे वो बाहर आ सकता है, तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखें। तो अब ये बेली हुई पूरी हम लेंगे और जिस साइड से मस्त डिज़ाइन दिख रहा है वो डिज़ाइन के अपोजिट साइड में हम स्टफिंग भर लेंगे। और एक बार स्टफिंग भरने के बाद हम इससे गुजिए का शेप बना लेंगे। जो स्टफिंग है उसको अंगूठे से धीरे धीरे हम दबाते जाएंगे और सारे दो सिरों को बंद कर लेंगे और अच्छे से अंगूठे से दबा के बंद कर लेंगे। अब जो गुजिए का जो कटर होता है वो डिज़ाइन बनाने वाला, उससे हम गुजिए का डिज़ाइन बना लेंगे। एक सिरे से शुरू करते हुए दूसरे सिरे तक तो घुमाते जाएंगे और ऐसे गुजिए का डिज़ाइन बन जाएगा। अब देख सकते हो कि कितना अच्छी गुजिए बन के रेडी हो चुकी है। अब ऐसे ही हमने सारी गुजिया बना ली है। अब देख सकते हो कि कितनी अच्छी परतें बनी है इस सब की। तो अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। तो गुजिया जैसे ही हमने गर्म तेल में डाला तो हम एक खर्चे से उस पर तेल डालते जाएंगे। इससे क्या होता है जो उसकी जो परतें होती है वो बहुत अच्छी छूट के आती है और क्रिस्पी बनती है, बहुत अच्छे लेयर्स निकलते हैं। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी बनी है। अब हम इसको थोड़ा सा पलट लेते हैं, उस साइड से भी थोड़ा फ्राई कर लेंगे। तो अब ये गुजिया हमारा फ्राई होकर रेडी हो चुका है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितनी अच्छी गुजिया बन के अभी रेडी हो चुकी है। तो अगर ये दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।